जैसा अपराधियों का इलाज हुआ वैसा ही भ्रष्टाचारियों का भी इलाज इस समय हो रहा है। हम लोग को संकल्प लेना है, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हम किसी को ना एक पैसा देंगे ना एक पैसा लेंगे। अगर हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, नागरिक हैं, आपसे कोई भी अगर एक पैसा रिश्वत का मांग रहा है तो मेरा अनुरोध है, ये यंत्र बड़ा अच्छा है जो लगभग सबके हाथ में है, एक वीडियो बना लीजिए छोटा सा चुटपे से, हमारे बच्चे बहुत होशियार इस काम को कर लेते हैं, या एक ऑडियो बना लीजिए और मुझको भेज दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ आपका काम तो पक्का होगा ही, लेकिन उस भ्रष्टाचारी का इलाज आपकी सरकार जड़ से करेगी, ऐसी व्यवस्था देने के लिए योगी जी काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में भाजपा अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया, जिसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करना होगा, देश के प्रत्येक नागरिक की आय 4 गुना करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश में पिछली सरकारों ने पक्षपात के साथ काम किया जिससे विकास नहीं हुआ, दूसरों को न्याय देकर हम सफल हो सकते। भारत सरकार 5 लाख तक के लोन को फ्री कोलेट्रल करने की योजना पर काम कर रही है तथा दूसरी ओर छात्रों को फ्री स्कॉलरशिप कार्ड देकर शिक्षा के स्तर में सुधार लाना चाहती है, जबकि सपा सरकार छात्रवृत्ति के नाम पर बंदरबांट कर रही है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए अरुण असीम ने कहा कि अब भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों का नंबर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, भ्रष्ट अधिकारियों के वेतन रोकने की प्रक्रिया की जा रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित वर्ग रामचंद्र कनौजिया, कुंदर की विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजन गौतम ने किया। हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है, आपकी सरकार ने सर्वोदय विद्यालयों की व्यवस्था की है, ऐसे विद्यालय जहाँ पे हमारे बच्चे छात्रावास में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति में कमी आ रही थी, पहले 0 बैलेंस एडमिशन हो जाता था और उस पर इतना घपला हुआ कि सरकार को, केंद्र सरकार को रोकना पड़ा। लेकिन इस साल से मुझे बताते हुए बहुत खुशी है बच्चों, एक फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी है। अपना कार्ड डाउनलोड करिए, जिस भी विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जाके एडमिशन ले लीजिए। केवल शर्त अभी 2 है, इस साल सरकारी और प्राइवेट एडेड में इसको शुरू कर दिया, जो प्राइवेट है उसमें अगले साल शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ भी शर्त ये, क्योंकि हमको देखना है पैसा बर्बाद ना हो, आपका हमारा पैसा है। वहाँ पे योगी जी ने 84,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया, उनको दिवाली के महीने वेतन नहीं मिलने वाला, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनको सरकार को हर साल बताना चाहिए कि उनके कितना संपत्ति है, कितनी उनकी गाड़ी है, कितना जेवर है, ये बताने से वो कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इनका इलाज योगी जी कर रहे हैं। आप योगी जी के साथ हैं इस काम में कि नहीं है? आप योगी जी के साथ हैं? बिल्कुल, जैसा अपराधियों का इलाज हुआ वैसा ही भ्रष्टाचारियों का भी इलाज इस समय हो रहा है। हम लोग को संकल्प लेना है, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हम किसी को ना एक पैसा देंगे ना एक पैसा लेंगे। अगर हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, नागरिक हैं, आपसे कोई भी अगर एक पैसा रिश्वत का मांग रहा है तो मेरा अनुरोध है, ये यंत्र बड़ा अच्छा है जो लगभग सबके हाथ में है, एक वीडियो बना लीजिए छोटा सा चुटपे से, हमारे बच्चे बहुत होशियार इस काम को कर लेते हैं, या एक ऑडियो बना लीजिए और मुझको भेज दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ आपका काम तो पक्का होगा ही, लेकिन उस भ्रष्टाचारी का इलाज आपकी सरकार जड़ से करेगी, ऐसी व्यवस्था देने के लिए योगी जी काम कर रहे हैं। छूट जाए क्या ऐसा विकास पसंद आएगा? नहीं आएगा। विकास वो हमको पसंद है जिसमें 100 में से 100 घर तरक्की करें, कोई भी पीछे ना छूटे, इसके लिए हमको आपको मिलकर के काम करना है। मेरी बेटियां बैठी, मेरे युवा साथी बैठे, हो सकता है हमारे मन में जो हम टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं तो मैं सफल हो जाऊं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सफलता की कुंजी होगी। हम सब की सफलता कब है? जब हम स्वयं को संपन्न होंगे ही, लेकिन हम दूसरे को भी न्याय देंगे तब हम संपन्नता की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार
इसी के लिए काम कर रही है। आज का पूरा आयोजन केवल इसी लिए है कि जो अपार संभावनाएं हमारे पास आज हैं उसका लाभ हम लोग कैसे लें। मैंने बात शुरू की थी अपने मुरादाबाद के हवाई अड्डे से, अब हवाई अड्डे में पायलट भी काम करेंगे, जहाज उड़ाएंगे, हवाई अड्डे में मैनेजर भी होंगे, हवाई अड्डे में एससी वर्ग है उसे भी फटकाने का और उनमें भी भ्रम पैदा करने का काम किया। मैं तो यहाँ बसपा के टिकट पे शिजाउल्लाह चौधरी लड़े और 19,200 वोट लिए, भी वो 19 लोगों के यहाँ ना हिंदू में और ना मुसलमान में उनका जाना आना नहीं हुआ मित्रों। ये विचार करने की बात है, काम आपका यहाँ का रहने वाला आदमी करेगा। लखनऊ में चाहे सम्मानित बहन जी का राज हो या आज योगी जी का राज हो या किसी और का राज रहा हो, काम तो आपको आपके बीच का लोकल का जो जमीन से टिका हुआ आदमी है, जो दो चार घंटे जिसका ठिया है, जो अपने घर पे बैठता है, लोगों की बात सुनता है और किसी वर्ग में किसी धर्म में किसी जाति विशेष की बात नहीं करता, वही आदमी आपका काम कर सकता है, चाहे वो मैं हूँ और चाहे वो कोई और हो, वही आदमी काम करेगा। लखनऊ से लखनऊ वाले जो बैठते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लिए काम करेगा और प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए काम करेगा। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई कि मैं इस भारत को जिन गांव में बिजली नहीं है उन गांव में उजाला करके कोई एक गांव ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां विद्युतीकरण ना हो। आज पूरे भारत में विद्युतीकरण हो चुका। आप आइए दूसरी की स्कीम पे कि कोई घर ऐसा नहीं होगा पूरे भारत में जहाँ शौचालय ना हो, हर घर में शौचालय बन गया। आपके आपके बुजुर्गों ने पूर्वजनों ने आपने ट्रेन में यात्राएं की होंगी, जब सुबह सुबह ट्रेन इस मुरादाबाद के ट्रैक पे गुजरती थी तो इधर और उधर हजारों लोग हजारों बहन और भाई बैठे हुए मिल जाते थे अपने सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए। आज आपको लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक एक व्यक्ति भी बैठा हुआ मिलने वाला नहीं है। इतना बड़ा परिवर्तन आदमी सोच नहीं सकता जो परिवर्तन हुए हैं। और ये प्रण कर दिया कि 2032 तक मैं एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां देश का एक भी आदमी कच्चे घर में, कच्ची झोपड़ी में, कच्ची मड़ैया में या पिन्नी में या थैली के घर में रहेगा, मैं उसे घर का उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने प्रण कर लिया कि हर आदमी को एक अच्छा जल मुहैया करा दूंगा। आज से 35 साल पहले 40 साल पहले आप चले जाओ, गांव में एक झगड़ा था, पार्टियों को मिला होगा, मैं ये नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला वोट दलित वर्ग का, ऐसा भी नहीं है। अगर भाजपा को दलित वर्ग का वोट नहीं मिलता, यादव वर्ग का वोट नहीं मिलता और मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं मिलता तो इतना प्रचंड बहुमत 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में और इतना प्रचंड बहुमत हुआ ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये सब लोगों के समर्थन से आया। तो मित्रों कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने, भारत सरकार ने अपनी जगह काम करा, कोई पक्षपात नहीं किया, ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना दलित में, ना अगड़े में, ना पिछड़े में, ना वंचित में, ना शोषित में। और उसी तरीके से मैं एक दो उदाहरण दे के अपनी बात, प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले जो हैं, जरा हाथ खड़ा करो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए, मैंने गांव-गांव जाके बहुत से गांव में बताया भी है, बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप जानकारी कर लो कि केवल और केवल बच्चे की माँ के खाते में वो 1200 रुपए डायरेक्ट जा रहे हैं, 12 पैसे भी इधर उधर नहीं जा रहे, बच्चे के पिता के खाते में भी नहीं जा रहे 12 पैसे। क्यों ना जा रहे? क्योंकि पिता पता चले किसी और काम में पैसे खर्च कर दे, और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम दूसरा भी चले, कभी पता चले उसमें ही मार दे हाथ, तो इसलिए माँ के खाते में जा रहे हैं। अब वो माँ अपने बच्चे को 200 रुपए की ड्रेस बनाए, 1200 रुपए की बनाए, 800 रुपए की बनाए, 1000 रुपए की ड्रेस बनाए, ये माँ का उत्तरदायित्व हो गया है कि वो अपने बच्चे को कितने रुपए की ड्रेस और कितने रुपए का बक्सा और कितने रुपए का जूता वो उसे दिलाएगी। ये अधिकार, ये सीधा सिस्टम किसने दिया? ये भी मोदी योगी की सरकार ने आपको सीधे दिया।
और तीसरा एक उदाहरण और बता रहा हूँ, उदाहरण मेरे पास 200 से ऊपर हैं, ऊपर की और नीचे की सरकारों के चार चार तीन तीन मंत्रियाँ आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे सरकारों की उपलब्धि, लेकिन मैं आपसे संबंधित उपलब्धियाँ बता रहा हूँ कि आज आप अगर देख लो तो आज पहले ये जो बाल पुष्टा आ रहा था अगले सोफों पर भी बैठे हुए हैं, और जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है ऐसे भी मेरे बहुत लोग यहाँ आने वाले हैं और इधर उधर खड़े हुए और बैठे हुए हैं। सम्मानित भाइयों, आज जो पूरी व्यवस्था देश की बदल रही है वो संविधान के अंतर्गत ही रहते हुए प्रधानमंत्री जी उस व्यवस्था को बदल रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों को हम सब लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने मिलकर, हिंदू और मुस्लिम ने और सभी पुरुष और महिलाओं ने, सभी वर्गों के धर्मों के लोगों ने लाखों कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के बाद इस देश की आज़ादी प्राप्त हुई। तो जब देश की आज़ादी तो हो गई, लेकिन हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपना अपना वैचारिक रूप, अपना अपना काम, अपना अपना तरीका अपनाता ही है जब आज़ादी होती है। मित्रों, उस सबको एक सूत्र में पुरोने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जो संविधान पीठ बनाई गई, उस संविधान पीठ के सम्मानित अध्यक्ष, चेयरमैन या सभापति आज समूह बन गए हैं, स्वयं सहायता समूह। किसी भी ब्लॉक में चले जाओ उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप मूडा पांडे ब्लॉक देख लोगे तो 10,000 से ऊपर समूह बने हुए हैं। अगर कुनरकी ब्लॉक में चले जाओगे तो 13,000 से ऊपर समूह बने हुए हैं। इन समूहों में अगर 7 से लेकर 11 महिलाएं तक होती हैं, अगर आप 5 महिलाएं भी पर समूह में लगा लोगे और 10,000 इधर तो 50,000 महिलाएं हो गई, और उधर अगर आप 13,000 तो 65,000 महिलाएं हो गई, यानी कि 50 और 65 115,000 महिलाओं को आज 100% ना विभाग का अधिकारी खा रहा, ना कर्मचारी खा रहा, ना नेता खा रहा, ना मुख्यमंत्री खा रहा, आज 100% उन महिलाओं में समूह बना के जागरूकता भी आई, उन्होंने ब्लॉक को भी देखा, उन्होंने गांव को भी देखा और उनका जीवन स्तर बढ़ाने का काम किया। और जहां 1,00,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के खाते में आते थे नंबर 2 में और जो मंत्रियों के खाते में आते थे, आज 1 पैसा भी आना उस का आना बंद हो गया और सब स्वयं सहायता समूह की बहनों को जा रहा है। 850 ब्लॉक हैं प्रदेश के अंदर, 75 जिलों में, जब एक विधानसभा में 1,63,000 5 के एवरेज से अगर आ रहा है और 10 के एवरेज से लगाओगे तो 2,15,000 आ रहा है। चार लाख वोट अगर आप देखोगे तो आधी आबादी महिलाओं की है मित्रों, तो उसमें गरीब महिलाओं का पोषण चल रहा है, उनके जीवन का स्तर भी आज उठा है। पहले 25 लोग खा जाते थे, आज 5 करोड़ लोग, 7 करोड़ महिलाओं में वो धनराशि वितरण हो रही है और वो पोषाहार वितरण हो रहा है। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, इसका विचार करना, इसे सोचना कोई आसान बात नहीं है। घर के मुखिया को भी, पूरे परिवार को तालमेल करके रखना आसान बात नहीं है। मित्रों, मेरे पिता इमरजेंसी में बंद गए जेल में, 1 साल जेल के अंदर रहे, जब वो 8 मार्च आए तो 3 मार्च उठाते आए हैं। आप लोगों के प्रयासों में कोई कमी रही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम कुंदरकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना सके, लेकिन इस बार हमें अपनी उस गलती को सुधारने का एक अवसर मिला है। इस गलती को हमें वोट की चोट से अपनी ताकत का एहसास कराते हुए दिखा देना है। यहाँ आप एक एक गांव गांव मजरे मजरे से आए हुए हैं, इस बार आपके गांव में, आपके मजरे में भारतीय जनता पार्टी का ही वोट निकले, ऐसी व्यवस्था आप सब लोगों को करनी है। आप लोग अपना एक हाथ बढ़ाइए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी नेतागण आपके हर सुख और दुख में खड़े हुए हैं। मैं सब लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बार को विराम देता हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप सब लोग एकजुट होकर
कमल के फूल के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे।